आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लालू और मेरे चैनल लालू नैना गायन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं घर बैठे ही आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे जोड़ सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस होगा। तो आज के वीडियो में यही बताने का कोशिश किए हैं। वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। और वीडियो अच्छा से देखने के बाद वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेट हौसला मिलता है अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का। तो चलिए दोस्तों, क्या प्रोसेस है दिखाते हैं कि आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ सकते। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। ये पोस्ट ऑफिस का वेबसाइट है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे। इसमें करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम आपको लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, यहाँ पे पिन कोड लिखना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है और जो भी मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप करना है और सेलेक्ट सर्विस में आना है। और यहाँ पर क्या करना है, IPPB आधार सर्विस के आगे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट में आके आपको आधार मोबाइल या ईमेल आईडी लिंकिंग अपडेट इसके आगे क्लिक करना है। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, जैसे नाम लिख लिए, एड्रेस लिख लिए, पिन कोड लिख लिए और अपना एक जीमेल आईडी दे दिए, मोबाइल नंबर फिलअप कर दिए और यहाँ सर्विस के आगे IPPB आधार सर्विस के आगे क्लिक कर दिए। और यहाँ पे दो सर्विस है, आधार जो है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट करने का, उस पर आप लिंक कर दीजिएगा। और यहाँ से आप घर बैठे ही 0 से 5 साल के बच्चे का आप आधार कार्ड भी बना सकते हैं। ऊपर वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है। और इसके बाद रिक्वेस्ट OTP पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर एक OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पर फिलअप करना है। OTP फिलअप करने के बाद कन्फर्म सर्विस रिक्वेस्ट के आगे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं जैसे इसके आगे रिक्वेस्ट सबमिट किए हैं तो यहां से एक रेफरेंस आईडी आ गया है। इसी रेफरेंस आईडी को आप कॉपी करके रख ले या लिख के रख ले। और यहां से ऊपर भी दिया हुआ है क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट, इसके आगे क्लिक कीजिएगा तो आप अपना जो अभी आईडी लिख के रखे थे रेफरेंस आईडी उसको आप फिलअप करके यहाँ से फैच करके आप अपना देख भी सकते हैं कि आप देखिए अभी किए हैं तो ये पेंडिंग दिख रहा है। जैसे से इस ये समय पूरेगा 1 सप्ताह के अंदर ही आपका पोस्ट ऑफिस से एक आदमी आएगा, उसका जो अधिकारी है वो आएगा और आपसे बायोमेट्रिक कराएगा। और बायोमेट्रिक कराने के बाद आपका ये अभी जो पेंडिंग दिख रहा है ये सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा। यही प्रोसेस है घर बैठे ही आपका। और 50 रुपया वो इसका फीस लेगा और घर बैठे ही आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। वो आपका मोबाइल आपका फिंगर का अपडेट लेगा और वो जाके सबमिट करेगा, आपका 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। ये घर बैठे सर्विस आप ले सकते हैं, यही तरीका है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आज का वीडियो से आपको कोई परेशानी तो नहीं हुआ। तो जल्दी चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट डे में। तब तक अपना अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम।